फर्स्ट एट ऑल ना, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, पता होगा ना, पहला कुछ फार्मूले हैं, इसको लिख लीजिए। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी वन ब्रेकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रेकेट एंड इन अदर ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इन ब्रेकेट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रेकेट ए प्लस बी। अगला है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, उसके बाद ए प्लस बी। ठीक है, इतना समझ में है। अगला है आपका कुछ एक और है, इसको भी लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, यही बताए थे, इतना सूत्र लिख लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, इसको कर लीजिए। इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बताए थे उसको करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 600 है, और उनका योगफल कितना है, 30 है। ठीक है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये आपका है क्वेश्चन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे बाबू, दो संख्याओं के, दो संख्या कह रहा है, तो सबसे पहले दो संख्या आप कुछ भी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, एक्स और वाई मान लीजिए, पी और क्यू मान लीजिए। तो हम मान लेते ए और बी, क्योंकि हमने फार्मूला जो लिखा था ए और बी के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं ए एवं बी हैं। ठीक है, ए एवं बी हैं। अब क्या कह रहा है, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग करेंगे तो देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार दो शर्त कह रहा है ना, दूसरा शर्त कह रहा है और उनका योगफल। तो प्रथम शर्त क्या है, उनके वर्गों का योगफल। तो प्रथम शर्तानुसार वर्ग करेंगे, ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर और बी का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर, और योग मतलब जोड़ लेंगे, कितना आ गया 600। कोई दिक्कत है, नहीं है। फिर द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, और उनका योगफल मतलब ए और बी का योगफल कितना है, 30 है। भाई यहाँ तो वर्ग वर्ग कह नहीं रहा, तो वर्ग कह लगाएंगे, कितना है, कितना है बाबू, 30 है।
तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब ए बी ज्ञात करना है। ए बी मतलब क्या? अब आपके क्या समझ में आ रहा है? अब आपके समझ में आ रहा है कि भैया देखिए यहाँ पर यही फार्मूला लग सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना। तो ए और बी क्या दिया है? 30, तो यहाँ 30 रख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और ये क्या दिया है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 600 प्लस टू ए बी। अब 30 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 30 गुणे 30, और उसका जब गुणा करेंगे 900 आएगा। कितना आएगा बाबूजी? 900 बराबर 600 प्लस टू ए बी, कोई दिक्कत है नहीं। इसको इधर कर लीजिए, 600 प्लस टू ए बी बराबर 900, माइनस नहीं होगा, पूरा पूरा इधर उधर कर दे रहे हैं ना। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करना है उसको इधर कर ले रहे हैं, पूरा कर लिए, कोई चीज़ नहीं बदलेगा। 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 900 माइनस 600 बराबर आ गया 300, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो ab बराबर 300 बटे 2 कट गया, तो ab बराबर क्या आ गया? 150। समझ में आया? तो ab का मान क्या है? 150 है। समझ में आया? कर लीजिए फटाक से, कर लीजिए भाई। एक्चुअली में इन लोगों को कॉल कर देना चाहिए ना कि सर मैं आज 50 ठीक है आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे भैया? तो माना संख्याएं क्या हैं? संख्याएं ए एवं बी हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 800 ना, यही तो है ना। और ए प्लस दूसरी शर्त क्या कह रही है? ए प्लस बी बराबर 30, ठीक है। और हमें ए बी फाइंड करना है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया? सूत्र लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ना। इसका मान रख दीजिए 30, स्क्वायर कर दीजिए, इसका मान रख दीजिए कितना हो गया? 800 प्लस टू ए बी, इनको इधर कर लीजिए, 800 प्लस टू ए बी बराबर इनको गुणा करके उधर भेज दिए, 900 हो गया, ठीक है। देन टू ए बी बराबर 900 माइनस 800, तो ए बी बराबर 100 बटे 2 काट दीजिए, कितना आ गया? 50। तो ए बी बराबर कितना आ गया बाबू? 50, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, कर लोगे? चलिए ये बताए थे, ठीक है। उसके बाद आपको बता देते हैं जो अदर, इतना ही बताया, इतने रुका है, ठीक है। अब कल इतना ही बताए थे, उसके पहले वाला बता रहे हैं, उसके पहले वाला। चलिए लिखिए, उसके पहले वाला लिखिए। देखिए 126 में, 26 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू, समझ में आ रहा है? 126 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग मतलब दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन में लिखिए, दी गई संख्या, एक सौ छब्बीस है तो 126 को तोड़ दीजिए भैया, फैक्टर कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया? 6, और कितना आ गया? 3। ये तो आएगा भैया, 6 एंड 3, फिर 3 से काट दीजिए, 2 एंड 1, फिर 3 से 7,
अब देखिए इसमें किसका जोड़ा बन रहा है, तीन का ही जोड़ा बन रहा है, तो अब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से गुणा करेंगे, यानी अगर हम टू यहाँ पे टू इंटू सेवन करेंगे ना, तो कितना आएगा 14, कितना आएगा 14, तो उत्तर हमारा 14 होगा। लिखेंगे चूँकि 14 से, अतः लिखिए, अतः 14 से 126 में क्या करने पर, गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 14 होगा। हाँ ठीक है, कब आने को, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कर लीजिए।